बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं आमिर गफूर आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, तो अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। तो दोस्तों अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आज धुंध जो है ना वो फिर पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी सुबह के टाइम। अभी तो थोड़ी थोड़ी मतलब के काम हो गए, सुबह मतलब कुछ सुबह के 6 बजे। तो अभी तकरीबन बजे हैं 8:30 सुबह के, तो मतलब कि अभी थोड़ी सी कम हो रही है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा धुंध है मगर थोड़ी सी कम हो गई। तो इंशाल्लाह मज़ीद धूप निकल रही है, सूरज निकल रहा है, तो मज़ीद मतलब के धुंध जो है ना वो कम होती जाएगी। तो बहुत काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा धूप थी, मौसम बहुत मतलब गर्मी टाइप का हो गया हुआ था, गर्मी लगती थी। तो अभी फिर जो है ना धुंध पड़ी है, तो सर्दी दोबारा से जैसे कि आ गई हो, तो मतलब कि अभी दोबारा से सर्दी पड़ने लग गई है। तो धुंध बहुत ज़्यादा, आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो फसलों पे मतलब घास पे जो है ना ओस पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों इंसानों के साथ जानवरों को भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि बाहर बाहर बांधे होते हैं, हवा भी चल रही है, तो इंसानों के साथ जानवरों को भी बहुत ठंड लगती है। दोस्तों उसके अलावा गांव में आप लोगों को ये रोड पे और जहाँ पे मतलब के शाम लाट जहाँ पे खाली जगह होती हैं वहाँ पे ये गोबर ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों धुंध जो है ना वो थोड़ी सी कम हुई थी, तो साथ में जो है ना ज़्यादा हो गई है फिर दोबारा। तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो फ़िलहाल अभी मैं जाने लगा हूँ मकानों की तरफ के मिस्त्री क्या कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो, तो इस साइड को इन्होंने प्लास्टर करना है आज। और ये जो बांस हैं ये बहुत मुश्किल से मिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिल नहीं रहे थे। तो कल मैं मतलब के नए लेके आया था, अपने रेंट पे मिल नहीं रहे थे, तो कल वो लेने गया था, वो लेके आया था। तो आज ये लोग मतलब के अपना अड्डा वगैरह सेट कर रहे हैं। तो ये 40 फीट हाइट है, तकरीबन 40 फीट। इधर आए थे तुम, घर चलो। नहीं। क्यों जाओ घर ना, नहीं चलो मैं छड़ के आवां तुम घर। गड्डी तो नहीं पैदल ही छड़ के आना? नहीं चल उठ उठ, क्यों नहीं जाना तू, चलो तेन छड़ के आवां। तो दोस्तों ये दोनों जो है ना वो घर जाने का नाम नहीं ले रहे। तो ये देखें ये मिस्त्रियों की कॉपी कर रहा है। तो दोस्तों हमारे घर में बाहर से आया हुआ है कुत्ते का बच्चा, तो मोहम्मद और अहमद सुबह के बाद इनके पीछे लगे हुए हैं। ये डर भी बहुत रहे हैं इनसे। लम्या बाण ते तुसी पाओ, क्यों कर रहे हैं आगे किनू कुल्ला में बाने? चल हाँ चल, ये कुत्ता कितने
ਲੰਮਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਲੰਮਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿੰਜ ਪੈਣਾ ਪੈਰ ਨਾਲ ਲੰਮਿਆ ਜੀ ਪੇ ਪੈਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਕਿੰਜ ਪੈਂਦਾ ਪਾਹ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਲਾ ਹਾਂ ਛੱਡ ਹੈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੜ ਤੂੰ ਫੜ ਹੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਥ ਲਾ ਹੱਥ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਓਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਥ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਹੱਥ ਲਾਓ ਹੱਥ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪੇ ਵੜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਵੜਦਾ ਪੈਰ ਨਾਲ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਓ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਓ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ नहीं पढ़ना क्यों हैं चलो फड़ो तो सही ने चलो फड़ो कुत्ता फड़ो हाथ ला हम मजा हाथ ला हाथ ला नहीं कुछ भी करता नहीं कुछ हाथ ला नहीं मैं वेख कोल ही फड़ मैं तेन पांच रुपए दा फड़ कुत्ती दिया पुत्रा नठ जा के तू फल 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 ओए नहीं कुछ भी कहंदा हैं तैनू डर लगदा नहीं लगदा मैं वेखना मैं फड़न लगा ए वे हाथ लाया ए वे नहीं कुछ भी कहंदा हाथ ला हाथ ला तो दोस्तों इजाज़त दें अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।